जिले के गुलरिया थाना क्षेत्र के औरंगाबाद में हस्तशिल्पकारों द्वारा विभिन्न तरह की टेराकोटा की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसके संबंध में टेराकोटा के हस्तशिल्पी राम मिलन प्रजापति ने बताया कि हम लोग टेराकोटा का किसी भी भगवान देवी देवताओं की मूर्ति बना सकते हैं या हर प्रकार के जानवर की मूर्ति बनाते हैं। उन्होंने कहा, हम लोगों ने माँ सरस्वती, बुद्ध भगवान, हाथी, घोड़ा की मूर्ति बनाई है। अब लोग अधिकतर अपने डिमांड के हिसाब से मूर्ति बनवाते हैं। प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद के नारे ने हम लोगों को बहुत सहयोग दिया है। इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि हम ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा टेराकोटा विदेशों में भी जाकर बिक रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हैं। सोमवार को यूके के राजनयिक और एशिया के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल ने औरंगाबाद गाँव का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने जहाँ गाँव के लोगों को संबोधित किया, तो वहीं गाँव के तीन शिल्पकारों अखिलेश प्रजापति, पन्नीलाल प्रजापति और राम मिलन प्रजापति से मुलाकात कर टेराकोटा शिल्प के बारे में बारीकी से जानकारी हासिल की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टेराकोटा के हस्तशिल्पी भोला प्रजापति, बेलासी देवी, लालचंद प्रजापति और उद्योग उपायुक्त रवि कुमार शर्मा ने कहा, भट्टी ये निकाल लिए होते, लेकिन दिखाने के लिए इसको रोक दिए, खाली नहीं किए। हमारा नाम है भोला प्रसाद प्रजापति। कुछ लोग यहाँ पे आए थे। हाँ, बहुत अच्छा, खुशी हुए हैं हम लोगों का भी, और हमारे देश, हमारे शहर के लोग भी, जनता भी बहुत खुश है। जितने लोग हैं जानते हैं, उनको भी खुशियाँ ली है कि गोरखपुर में हमारे टेराकोटा जो है देश विदेशों में बहुत फेमस है, और अपने इंडिया के अंदर में तो हमारा कोने कोने में नाम है, हम हो रहा है, हो गया है। और इसलिए हमारे यहाँ देखिए, हमारे तहसीलदार साहेब आए हैं, SDM साहेब आए थे, मजिस्ट्रेट और भी लोग आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ही कहा कि मैं ये कला देख करके मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे देश में इसका निर्यात हो। कौन से लोग थे यहाँ पे? यहाँ हमारे यहाँ GM हमारे हैं, मुख्य अधिकारी GM के बाद यहाँ का SDM साहब हैं, अन्य लोग बहुत से हैं, मैं कहाँ तक हम ना बता नहीं बता पाए। हमारे तो हमको बहुत खुशी आ रही है, हमारे खुशी से तुम्हारे आँखों में पानी आ जा रहा है। मैं इतना खुश हूँ। देखा जाए विदेशों में भी इसकी डिमांड होने लगी है। हाँ सर, हमको बहुत खुशियाँ ली है इसलिए कि हमारा माल अब विदेशों में निर्यात होगा तो हमारा और नाम होगा, और हमारा अच्छा खासा कमाई होगी, और माल बिक्री होगा, रेट भी अच्छा मिलेगा हमको, इसलिए हम खुशहाल हैं। हमको खुशहाल से मेरे आँखों में पानी आ जाता है खुशी से, मैं इतना खुश हूँ। बेलासी देवी, यहाँ पे कुछ लोग आए थे, देखें क्या कैसा लगा, क्या कहा उन्होंने? बहुत अच्छा लगा, कहना हम लोग का कला देख के बहुत खुश हैं। आपको क्या क्या दिखाई है? सबको मूर्तियाँ दिखाए हैं, गणेश जी का मुंडी पार्ट दिखाए हैं, हाथी दिखाए हैं, घोड़ा दिखाए हैं, टेबल दिखाए हैं, लेडीज पार्ट दिखाए हैं, सब देख के खुश हो गए हैं। नाम पूछ लें, आपका नाम काम कली बेलासी देवी, कह लें आप बहुत अच्छा हैं, हैं काम देख के बहुत खुश हो। आप लोग विदेशों से भी अब नया लोग आ रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कला जा रही है? हाँ, कला बा हमन के मांग करी है विदेश में भेजने के।
मुख्यमंत्री जी के लिए कहा जाए, योगी जी के लिए कहेंगे? हाँ, अरे जान लो कर बच्चे से पूछ लें। कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए? क्या कहें, अरे वह हम लोग के आगे बढ़ावा कुछ हुआ, ये हम लोग रोड, ये हम लोग का चक्का नहीं आ रहा है, हो जाएगा भी। हाँ, हमारा नाम गुलाब चंद प्रजापति है। क्या क्या यहाँ पे आप लोग बनाते हैं? राखी बोला बनाते हैं। अरे यहाँ तो सब चीज बनता है, आदमी में हर एक आदमी बनेगा, जानवर में हर एक जानवर बनेगा, मूर्तियों में हर एक मूर्ति या बनेगा, कहाँ तक नाम गिनाए आपको। देखा जाए प्रदेश सरकार भी तो काफ़ी बढ़ावा दे रही है, लोग विदेशों से आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। ये तो सरकार के धन्यवाद देंगे, ये तो सरकार का धन्यवाद देंगे। और ये समझिए कि इस मिट्टी का देन है, इस कला का देन है कि जो विदेशों से लोग आ रहे हैं। लालचंद प्रजापति से लोग आते हैं देखो देखने के लिए टेराकोटा। क्या कहा यहाँ पर सारे आइटम देखे, यहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट है एक जनपद एक उत्पाद के लिए, उसके विषय में बात भी किए। यहाँ के टेराकोटा का जो आइटम है वो विदेश सप्लाई करने के लिए बात किए। ये भट्टी लगाए थे, भट्टी में भी आके देखे, ओपन करके कैसे भट्टी लगता है, कैसे नहीं लगता है, कैसे पकता है, इसके विषय में जानकारी लगा। देखा जाए टेराकोटा विदेशों में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सेंटर गवर्नमेंट राज्य सरकार जो कर रहा है टेराकोटा पर एक जनपद एक उत्पाद के लिए बहुत बेटर काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के लिए हम लोग टेराकोटा के औरंगाबाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। सेंटर को भी, नरेंद्र मोदी को भी बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जो हम लोगों का टेराकोटा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं रवि कुमार शर्मा, उपायुक्त उद्योग गोरखपुर। हमारे यहाँ आज जो ये गोरखपुर जनपद का जो औरंगाबाद ग्राम है उसमें मिस्टर एलन गैमल साहब का आगमन हुआ, जो कि HM ट्रेड कमिश्नर साउथ एशिया यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। उनका जो उद्देश्य था कि जो हमारे गोरखपुर में जो आर्टिजन्स हैं औरंगाबाद में, उसमें तीन लोग का नाम लाइव बनाने हेतु चयनित हुआ था, जिसमें अखिलेश प्रजापति, पन्नेलाल प्रजापति और राममिलन प्रजापति, जिसमें दो तो स्टेट अवार्डी अखिलेश और पन्नेलाल, और राममिलन को वित्तीय वर्ष 21-22 में स्टेट अवार्ड हेतु चयनित किया गया है। इनकी कलाकृतियों को वो लाइव देखना चाहते थे कि किस तरह से बनती है, कैसे इनकी कलाकृतियों को वो देश स्तर पर तो चली रहा है, विदेशों में कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए। इस पर्पज़ से उन्होंने यहाँ पर आए और यहाँ के हस्तशिल्पियों को आश्वस्त किया है कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ जो वो देखते हैं और अपने देश यूनाइटेड किंगडम में वो उनका प्रयास होगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान वो दिलाएंगे, उसी दिशा में इनका एक कदम था।